ना ना, ये डर है, योगी जाने वाले ये डर है, इनको पता अगर नहीं कहेंगे तो एनएसए लगाते हैं सीधा, इधर जेल में डाल देते, उठा कर तो डर है पब्लिक में, क्या कहेगी पब्लिक, भैया ठीक है आप ही आ रहे हो ठीक है, वोट तो अंदर ही देनी है जाकर। बताओ ये महामारी को नेताओं पे थोप रहे हैं, ये कहाँ की अकलबंदी है भाई, बच्चों का भविष्य ये कैसे खराब कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य भाई, महामारी आई सबके लिए है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, जो गवर्नमेंट का दोष बता रहे हैं, टंका बता रहे हैं योगी जी के, बताओ हैं 52 स्टेट ट्रंप से कह रहे कि हमारे जितने भी राज्यपाल है योगी जी से सलाह लेके आए, हमने पढ़ा है पेपर में, बताओ कैसे उनको निगलेक्ट कर दोगे आप, ना इनका महंगाई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, महंगाई बाबा फिर क्या है गवर्नमेंट के हाथ में, क्या है फिर गवर्नमेंट के हाथ में, 135 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की, पर डे कितना भी आप करो संसाधन कम ही पड़ेंगे जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, यूपी में हो रहा है तो हाई हल्ला मचाया जा रहा है, और ना करें तो रोजगार भी चाहिए आपको, राशन भी फ्री चाहिए, वैक्सीन भी फ्री चाहिए, पेट्रोल महंगा नहीं चाहिए आपको, खाना पीना भी सस्ता चाहिए, नौकरियां भी चाहिए, सब तो सरकार से चाहिए, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ना जनसंख्या मानेंगे, ना ही आप फ्री का राशन दे देंगे उसको मानेंगे। रोजगार का मुद्दा अगर चल रहा है ना, तो रोजगार अपनी इम्यूनिटी के ऊपर मिलना चाहिए, मतलब अगर हमें काबिलियत है तो रोजगार का मुद्दा मिलना चाहिए, लेकिन भाई की एक बात को लेकर कह रहा हूँ मैं, भाई आपको जो है ना, जब गरीबों के लिए 1500 रुपये घर बैठे राशन के लिए आ रहे थे और सब्सिडी आ रही थी, हर चीज़ के लिए आपको फ्री चीज़ मिल रही थी, मतलब जब ये लॉकडाउन चल रहा था तब आप किसी ने कोई मुद्दा नहीं बोला कि पेट्रोल महंगा है, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, हमें वो चीज़, किसी ने तब कुछ नहीं बोला, लेकिन सरकार की तरफ से सारी तो सुविधा चाहिए हमें, हाँ अगर जो सरकार एक चीज़ में बढ़ोतरी होती करती है, अगर भाई अगर वो वैक्सीन के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हो ये सब हो रहा है, तो आप सबसे 1-2 रुपये लिख करके तो लेगी सरकार के अपने आप छाप लेगी नोट की मशीन रखिए तो। जब मैं गाड़ी में 500 का पेट्रोल लूं 60% टैक्स दूं, आराम का नहीं देता और फैसिलिटी के नाम पे घंटा। अरे भाजपा आई तो यही बोल के थी कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, एलपीजी सस्ता कर देंगे, दुगने कर दिए। यहाँ पे यूपी में रह रहा हूँ, यूपी का सरकारी स्कूल देख लो और दिल्ली का सरकारी स्कूल देख लो, मैं दिल्ली में जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि तुम अपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ते, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो योगी जी ने ऐसी फैसिलिटी नहीं दी, हम पढ़े कहाँ से, दिल्ली जाना पड़ता है हमें केजरीवाल जी के अंडर में, स्कूलों में आप जाके देख ली दीवार में पलस्तर भी नहीं है, ना कुछ सफाई में कुछ करा है, ना इन्होंने शिक्षा में करा, ना स्वास्थ्य में करा है, बस बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं कि स्मार्ट सिटी, यूपी में कहाँ स्मार्ट सिटी है ये दिखा दो मुझे, कि किस जगह पे हम एड्रेस देते मैं देख के आ जाऊँ स्मार्ट सिटी।